नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार का 5 दिवसीय बजट सेशन शुक्रवार को खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सीएम एकनाथ शिंदे पर किया जोरदार हमला। कहा कि महाराष्ट्र सरकार का यह बजट खुदा पहाड़ निकली है चूहिया। कहा इस बजट में जितनी भी योजनाओं के लिए पैसा आवंटित करने की बात की गई है उसका इस्तेमाल आने वाले चुनाव में होगा, हमें ऐसा है आशंका। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दिया बयान। कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी से अलायंस नहीं हुआ तो उनकी पार्टी राज्य की 46 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के सवाल पर दिया बयान। कहा मतभेद खत्म हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता। कहा अपमान भूल सकते हैं लेकिन विश्वासघात नहीं। मुंबई करों के लिए बड़ी खबर, रेलवे की तीनों लाइनों पर रविवार को रहेगा मेगा ब्लॉक। उपनगरीय रेलवे लाइन पर ट्रैक मरम्मत और सिग्नल सिस्टम में कुछ तकनीकी कार्यों के लिए लिया गया फैसला। ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी और कुछ ट्रेनों को किया गया रद्द। रेलवे प्रशासन ने शेड्यूल देखकर ही यात्रा करने की यात्रियों से की है अपील। नागपुर से एक सनसनीखेज घटना आई सामने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम का किया गया इस्तेमाल। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की हुई ठगी, पुलिस मामले की कर रही जांच। उद्योग के सांसद संजय राउत ने दिया बयान। कहा मैं 25 साल तक बीजेपी के साथ रहा, उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कहा हमारे लोगों को रुलाया, हमें बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं। होली से पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। पश्चिम रेलवे ने मुंबई और महाराष्ट्र के रूट्स की तरफ जाने वाली 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने का किया ऐलान। ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग 1 मार्च से हो गई है शुरू। पानी कटौती की डर से सहमे मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत। राज्य सरकार ने भाटसा और उर्ध्वा वैतरणा बांध में आरक्षित जल भंडारण के प्रावधान को दे दी है मंजूरी। वहीं बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि अब मुंबई में पानी की नहीं होगी कटौती। नागपुर में डॉली चाय वाले की टपरी पर अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने पी थी चाय, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किया साझा। डॉली चाय वाले की तस्वीर बिल गेट्स के साथ आने के बाद दुनिया भर में इसकी हो रही है चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजकर उनके बयान से छेड़छाड़ कर लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगने को कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।